पीनी है टीपी। भारत ने 2023-24 दे बरे च हमेशा थमा बद रक्षा उत्पादन किया दर्ज। सरकार भारत की रक्षा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने ताई वचनबद्ध, आख्या प्रधानमंत्री होरें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और आख्या जे पिछले मौसम च कश्मीर च 2.5 करोड़ सैलानियों की आमद जम्मू कश्मीर च विकास ते शांति का है सबूत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तहत जम्मू कश्मीर च 1,59,000 रुपए की लागत आले छते पर सोलर संयंत्र उपर दी जा कर दी है 85,800 रुपए की सबसिडी। नीट पीजे दाखिला परीक्षा 2024 करवाई जाग 11 अगस्त भी। नमस्कार, डोगरी खबर च तुंदा स्वागत। हुन खबर विस्तार कने। भारत ने 2023-24 दे बरे दौरान रक्षा दे क्षेत्र च सबने थमा मता उत्पादन कीता है। इस बरे दौरान यह उत्पादन बढ़िया 1,26,876 करोड़ रुपए तोड़ी पुजी गया, जेड़ा पिछले माली बरे थमा 16.8% बद्ध है। इदे बारे जानकारी देंदे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें दस्या जे मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी अगुवाई च हर बरे नवे संगमील सर करा करदा है। राजनाथ सिंह होरें रक्षा सार्वजनिक सैक्टर के निगमें ते रक्षा संबंधी उत्पादन करने वाले और ने पब्लिक सैक्टर के निगमें ते प्राइवेट उद्योग की सराहना की। उन्हें आख्या जे सरकार मुल्क अगे रक्षा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने वास्ते साजगार वातावरण उपलब्ध कराने ताई वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें इस उपलब्धि वास्ते देश की प्रशंसा की है। एक सोशल मीडिया स्नेह च मोदी होरें आख्या जे सरकार समर्थ होर बधाने वास्ते ते मुल्क अगे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र च विश्व का सबने शा बड़ा उत्पादक बनाने ताई साजगार मोल उपलब्ध कराने वास्ते वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री होर आख्या जे इहदे कन्नै मुल्क दे सुरक्षा संबंधी साजो समान च बढ़ोतरी होग ते भारत आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होर आख्या जे पिछले मौसम दौरान कश्मीर च तकरीबन 2.5 करोड़ सैलानियों की रिकॉर्ड गिनती च आमद खिते च विकास ते शांति का सबूत है। पिछले एक दहाके च जम्मू कश्मीर च प्रगति की गल करते हुए उन्हें आख्या जे 1 लाख शा मते लोग इसलै धोड़ी अमरनाथ यात्रा वास्ते इत्थे पुजी चुके हैं। उन्हें आख्या आतंकवाद खीरी मरहले च है। मंत्री और कल नवी दिल्ली च भारत 24 विजन आफ न्यू इंडिया कनक्लेव च बोला करते हैं। बिजली महकमे ने घरेलू उपभोक्ताएं की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ना की केंद्रीय स्कीम तहत छतें उपर सोलर संयंत्र लाने ताई तुरत दरख्वास्तां देने का आह्वान किया है। एक प्रेस बयान च आख्या गया है जे 2 किलोवाट के प्लांट 60% की सबसिडी दी जा करती है। जम्मू कश्मीर च विशेष वर्ग तहत 1 किलोवाट 33,000, 2 किलोवाट 66,000 ते 3 किलोवाट 85,800 रुपए की सबसिडी दी जा करती है। महकमे ने दसिया जे इस स्कीम तहत 31 मार्च 2027 तोड़ी छतें उपर 36,400 सोलर संयंत्र लाए जांगन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होरें आख्या जे नवे अपराधिक कानूने कन्नै नागरिकें का रहन सहन मता सुविधाजनक हो जाग। उन्हें आख्या जे इन्हें कानूने कन्नै न्याय तौले होग ते लंबी मुकदमेबाजी च हून समा बर्बाद नहीं होग। यह गल उन्हें गाजियाबाद उत्तर प्रदेश च सीबीआई अकैडमी च एक सम्मान समारोह च आखी। मंत्री होरें दस्या जे यह कानून मुल्क ताई बड़े सार्थक साबित होंगन कि जे हून समाज के विकास वास्ते मती ऊर्जा लगी सकग। इस मौके पर उन्हें सीबीआई के 39 अधिकारियों की सराहने योग सेवा वास्ते राष्ट्रपति उनके पुलिस तगमे ते भारतीय पुलिस तगमे भी प्रदान किए। संकल्प HEW सांबा पासिया भारतीय न्याय संहिता च महिलाएं कन्नै जुड़े दे प्रावधानें बारे जागरूकता बधाने वास्ते बडेरी ते दौरा दे पंचायत घर च एक कार्यक्रम दा सरिस्ता किया गया। इस मौके महिलाएं की सुरक्षा सम्मान ते न्याय यकीनी बनाने वास्ते उन्हें कानूनी तौर पर जागरूक करने के महत्व पर जोर पाया गया। कार्यक्रम च घरेलू हिंसा यौन उत्पीड़न ते महिलाएं खिलाफ होने वाले ने और ने अपराधियों खिलाफ मजबूत कानूनी हिफाजत के मामले च इस कानून की भूमिका उजागर की गई। नीट पीजी दाखला इम्तिहान 2024 अगले महीने की 11 तरीक की करवाया जाग। यह इम्तिहान 2 शिफ्टें च होग। मैडिकल साइंस च राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने अज इम्तिहान नवा शेड्यूल जारी किया है। यह इम्तिहान पिछले महीने तयशुदा तारीख के 1 रोज पहले मुलतवी कर दिया गया। यह इम्तिहान अगड़े पाने का फैसला किश प्रतिशत प्रीक्षा प्रतियोगी प्रीक्षाएं के बारे च किश आरोपों के बाद लिया गया। राजौरी जिले के
खवास ग्रां गी सरकार ने संपूर्णता अभियान तहत चुनिया है, जिथे हुण सब बकाया काम अगले 3 महीने च मुकम्मल किए जांगन। ब्लाक के लोग बड़े खुश ने कि जे उनेंगी उम्मीद है जे हुण उनके सब विकास काम अगले 3 महीने च पूरे हो जांगन। उनका गलाना है जे उत्थे पानी बिजली ते सड़कें की हालत बड़ी माड़ी है ते संपूर्णता अभियान तहत उनके च सुधार होने की उम्मीद है। इसको पसमांदा ब्लॉक था, इसीलिए इसको कई लोगों की मेहनत से तो ये एलजी इंतजामिया का हम बहुत बहुत मशहूर हैं, तो हम उनके भी नहायत मशहूर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पसमांदा ब्लॉक है इसमें से जो है कम से कम एक तरक्की की राह एक गामजन हुआ, एक शुरुआत हुई ऐसी कि उसके जो जो चीज़ें बेसिक जरूरियात हैं वो तो उनको पूरा करने का एक कदम उठाया गया, इसके लिए बहुत मशहूर हैं। बनिहाल स्थित सेना की राष्ट्रीय राइफल्स पासिया उत्थुओं के दूर दराज इलाकों महिलाएं सिलाई के कोर्स चलाए जा करते हैं। यह प्रोजेक्ट सरकार की स्किल इंडिया ते डिजिटल इंडिया पहलकदमी कन्ने मेल खाता है। 3 महीने के इस प्रोग्राम 12 महिलाएं चुनिया गया है। कोर्स पूरा करने मगरा इन्हें महिलाएं सर्टिफिकेट प्रदान किए जांगन। इलाके के लोगों सेना के इस जतन ताई उसकी सराहना की। जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए एक कोर्स दिया है इंडियन आर्मी ने, तो मैं फर्स्टली उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हमें ये इंडियन आर्मी ने कोर्स दिया है जिसकी वजह से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ताकि हम घर में हमारे से जो छोटे है उनको सिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 लड़कियों ने ये यहाँ पे कोर्स में लिया हुआ है हिस्सा। इंडियन आर्मी यही चाहती है कि वो जो ये लड़कियाँ कोर्स करें तो उसके बाद वो अपने बलबूते पर खड़े हो सके और अपना रोजगार चला सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव होरें अज दस्या जे भारतीय रेलवे इस बरे 2500 जनरल बोगियों का निर्माण करदा है ते इहदे मगरा 10000 और आम बोगियां तैयार कीतियां जांगन। भारतीय रेलवे दे गति शक्ति विश्वविद्यालय ते व्यावसायिक जहाजें का निर्माण करने वाली सभने शा वड्डी कंपनी एयरबस विचकार एक समझौते उपर दस्तखत करने के मौके पर मंत्री होरें दस्या जे सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर ते मध्यम वर्ग के लोगों की जरूरतें पूरा करने पर मुख्य ध्यान दिया करती है। मंत्री होरें अगे दस्या जे मौजूदा सोए दे मौसम दौरान लोगों की मंग की दिखते हुए रेलवे पासिया 10000 विशेष रेलगड्डियां चलाईया जा कर दियां ने। आने वाले साल के लिए 10000 जनरल कोचेस का प्रोडक्शन, साथ ही साथ अमृत भारत ट्रेन जो कि पूरी तरह से नॉन एयर कंडीशन है, अमृत भारत की और 50 ट्रेन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और करीब 180 ट्रेन्स और उसी पाइपलाइन में प्रोडक्शन की पाइपलाइन। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेंद्र ओझा होरें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओझा और शेफाली शरण उनकी थार लेंगन जिन्हेंगी पब्लिकेशंस डिवीजन का महानिदेशक बनाया गया है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास थमां 7919 श्रद्धालुओं का सतवां जत्था अज बडलै श्री अमरनाथ जी यात्रा आस्तै रवाना हुआ। 259 गड्डियों के काफिले च रवाना होए दे इस जत्थे च 5241 मर्द, 1435 महिला, 16 बच्चे, 214 साधु ते 13 साधवियां शामिल हियां। इंदे च 2542 बालटाल आस्तै, जिसलै कि 4377 श्रद्धालु पहलगाम आले आधार शिविर आस्तै रवाना होए ने। ओएनजीसी की मदद करने यात्रा के आधार शिविर चंदनबाड़ी च 100 बिस्तरें वाला अस्पताल बनाया गया है। इहदे च बड़े मते आधुनिक उपकरण, डॉक्टरें ते नी मेडिकल अमले आस्ते बखरे ब्लॉक, आईसीयू वार्ड ते और आधुनिक सुविधा मौजूद न। दस्या गया जे इह अस्पताल यात्रा के बाद भी चलता रहूग। इहदे शा टिकाऊ विकास ते लोगों की मयारी सेहत सुविधा उपलब्ध करवाने की सरकार की वचनबद्धता का पता लगता है। दूरदर्शन समाचार कन्नै गल करदे हुए यात्रियां चंदनबाड़ी च इस चाली दियां सेहत सुविधा यकीनी बनाने वास्ते प्रशासन की तारीफ की है। सर थोड़ा फीवर हो रहा था, बाकी यहाँ पर मेडिकल चेक करवाया, बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस भी अच्छी है यहाँ पर, मेडिकल बड़ा अच्छा है, स्टाफ बड़ा अच्छा है। बटोत सिखें के 6वें गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी उनका 429वां प्रकाश उत्सव गुरुद्वारा सिंह सभा च बड़ी श्रद्धा कन्नै मनाया गया। इस मौके रागी जत्थे पासिया शब्द कीर्तन किया गया ते सिख विद्वाने गुरु जी के जीवन शिक्षा ते समाज वास्ते उनके योगदान उपर लो पाई। 11 बरे की बरेस च सिख गुरु बनने ते सभने शा लंबी उम्र 38 बरे की अवधि तोड़ी सिख गुरु बनिया रोने आले गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी होरें मीरी ते पीरी का विचार प्रस्तुत किया, जिहदा मतलब शक्ति ते भगती या संत ते योद्धा का समावेश है। इहदे अलावा उन्हें दरबार साहब अमृतसर च अकाल तख्त की स्थापना की।
कौम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने शक्ति और भक्ति दोनों को इकट्ठा किया, संत और लड़ाकू को दोनों को इकट्ठा करके, तो उन्होंने मतलब ये पंथ को आगे चलाया, एक सियासत को भी धर्म के साथ मिलाया और दरबार साहब अमृतसर में वहां अकाल तख्त की स्थापना की। जम्मू जिले के पौनी चक ग्रां गी नैनो आदर्श ग्रां घोषित किया गया है। एक घोषणा इफको ते कृषि विभाग जम्मू पासिया करवाई गई दी एक किसान गोष्ठी च की गई। इफको ने मुल्क भर च 200 आदर्श नैनो ग्राएं की निशानदेही की दी है। इन्हें ग्राएं च पौनी चक भी शामिल है जिसी नैनो हैले उपर 25% सबसिडी थोग। आज का जो ये प्रोग्राम पौनी चक में ऑर्गेनाइज किया गया, ये किसानों को नैनो फर्टिलाइजर के बारे जानकारी देने के लिए था और जिसमें इफको ने काफ़ी सहयोग किया और इन्होंने लोगों को 25% सब्सिडी पे नैनो फर्टिलाइजर भी बांटे हैं। आईटीबीपी के एक सबका कर्मी राजकुमार और रियासी जिले की हरा भरा बनाने का बीड़ा चुके दा है। उन्हें 2022 च नौकरी छोड़ने मगरा रियासी ब्लाक के जारें ग्राएं च सड़कें के कंडे ते खाली थारें पर अजे तोड़ी अंब अमरूद ते जामुन जने तकरीबन 20,000 बूटे लाए न। इस बरे बरसाती मौसम च अजे तोड़ी उन्हें तकरीबन 600 बूटे लाए न। उनका गलाना है जो वो बूटे खरीदने उनकी लाने उनकी सुरक्षा ते ऐल वगैरह से अपनी पेंशन थमा हर महीने तकरीबन 5,000 रुपये खर्च करते हैं ते रोज बडले 6 बजे उठिया बूटे का थैला चुकिया खाली थारें की तलाश निकली पाते हैं। रियासी के बीजीपुर गांव का रहने वाला हूँ। मैंने लगभग 22 वर्ष सेवा फौज में सेवा देने के बाद मैं VRS लेके घर में आ गया और बचपन से मुझे शौक था, पेड़ पौधों से बड़ा लगाव था, पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक था। स्कूलों में जाके मैंने प्लास्टिक वेस्ट को लेके, उसकी मैनेजमेंट को लेके काफ़ी अवेयरनेस कार्यक्रम हमने स्कूलों में किए, तो जिसमें मैंने एक इको ब्रिक बनाकर बच्चों को उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया और इसमें बदलाव भी आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओलंपिक खेडों से जाकर भारतीय खिडारियों कन्ने कल मुलाटी की थी ते भरोसा जताया जे ए दल भारत आस्ते शानदार प्रदर्शन करग। उन्हें आखिया जे ओलंपिक्स ना छड़ा जितने आस्ते सगुआ सिखने आस्ते भी एक बड़ा मंच है। मोदी होर आखिया जे इंसान की सबने बहाने ते शिकायतां एक पासे रखिए पूरे निश्चय कन्ने अगे बधना ते जितना लोड़चदा। खेडें की दुनिया च अभ्यास ते निरंतरता दे महत्व पर जोर पांदे होई प्रधानमंत्री होरें खरी नींदर पर ध्यान देने की जरूरत भी दसी। उन्हें आख्या जे खेडा कौशल का विषय है, इस करी प्रतिभा सिखलाई ते निरंतरता उपर भरोसे का मता महत्व है। पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो नहीं, जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। डोडा के भारतीय मानक संबंधी ब्यूरो पासिया गौरमेंट हाई स्कूल अबली मसरी च एक प्रतियोगिता करवाई गई जिदे च 9वीं ते 10वीं जमात के कूंजे विद्यार्थियों हिस्सा लेता। प्रतियोगिता का विषय हा डब्बा बंद पीने वाला पानी। इस चाली की प्रतियोगिता करवाने का मकसद लोगों ते विद्यार्थियों की मानक बारे जागरूक करना है। ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। हमने पूरे हिंदुस्तान में स्टैंडर्ड क्लब बनाए हैं और जम्मू कश्मीर में भी 300 से ऊपर स्टैंडर्ड क्लब्स हैं। यहाँ डोडा के इलाके आबली मासरी हाई स्कूल में हमने एक स्टैंडर्ड राइटिंग कंपटीशन कराया है जिसमें 51 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिसका। तो उस खबरें का बुलेटिन साढ़े यूट्यूब चैनल www.youtube.com/DDNewsJammu पर भी देखी सकते हो। इसके अलावा उन तो साढ़ा ये चैनल यूट्यूब के QR कोड की स्कैन करिए भी देखी सकते हो।
मौसम विभाग की सूचना मुजब जम्मू च पिछले 24 घंटे दौरान बदोबद तापमान 34.4 डिग्री सैलसीयस जिले घट्टो घट तापमान 27.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। एदे कन्ने गै डोगरी खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।